हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना, शेयर कर देना ग्रुप्स में इस वीडियो को और लाइक जरूर से करना है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये अपडेट है NTPC की तरफ से। तो NTPC की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आउट हुई हैं और ये गेट 2022 के थ्रू होनी है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसमें जो ब्रांचेज एलिजिबल हैं उसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और माइनिंग रहने वाली हैं। और जो सैलरी रहने वाली है वो इवन ग्रेड में आपकी होगी, 40,000 से लेके 1,40,000 तक। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बताया आपको बम्पर हैं क्योंकि 864 वैकेंसीज टोटल हैं, ठीक है। और आप जानते हैं ये महारत्न PSU है, गेट 2022 के थ्रू होने वाला है और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं इसमें डिसिप्लिन जो एडवर्टाइज हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EC, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और माइनिंग, ठीक है। इसमें बाकी और भी ब्रांचेज जो जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल में प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह अभी एलिजिबल है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जनरल और EWS के लिए 27 साल रहने वाला है और SC ST OBC और PWBD और एक्स सर्विस मैन के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन ज़रूर रहता है, वो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा। लेकिन OBC के लिए 3 साल का जनरली मिलता है और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन जनरली मिलता है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गेट 2022 के थ्रू एग्जामिनेशन जो रहेगा, ठीक है, गेट 2022 के स्कोर के थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। और प्लेसमेंट आपको इंडिया में कहीं भी आपको भेज सकते हैं और यहाँ पे वर्क इन शिफ्ट इन्वॉल्व रहता है, यानी कि आपको शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, नाइट शिफ्ट वगैरह करनी पड़ सकती है, ठीक है। और डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको career.ntpc.co.in पे जाके, कैरियर्स में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे जल्दी इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट है कि 28 अक्टूबर से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 11 नवंबर रहने वाला है, यानी कि केवल 13-14 दिन आपको मिलने वाले हैं। तो आप टाइम से पहले जो है इसको एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।